नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत त्यागी और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। बच्चों, संख्या पद्धति एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से हर एक एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है नंबर्स के बारे में, उसमें सारे नंबर्स की डिटेल है। होल नंबर्स किन्हें कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं, पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं, परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं, सम संख्या किन्हें कहते हैं, तो उसको आप जरूर देख लें और यहां से उसे आई बटन से क्लिक करके सेव करके बाद में आप देख सकते हैं। तो बच्चों, आइए टॉपिक पे चलते हैं, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में आपको कैसे सेव करना है और कैसे आप इससे हमारे वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर एक है, बहुत ही जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूं। बच्चों समझते रहना ध्यान से, जो जो मैं बातें बता रहा हूं ध्यान से समझते रहना। किसी संख्या के एक तिहाई का एक चौथाई चौबीस है, वह संख्या क्या है? तो बच्चों, जब भी क्वेश्चन में बोले ना किसी संख्या, तो आप वो संख्या को मान लो एक्स वाई जेड, जो भी आपका मन करे, जिस भी संख्या से आपको लगा हो उसे मान लो, ठीक है? तो ये कह रहा है सबसे पहले किसी संख्या के एक तिहाई, तो एक तिहाई से मतलब है बच्चों, जहां पे बोले ना एक तिहाई, तो एक तिहाई का मतलब होता है एक बटे तीन। दो तिहाई बोलता है तो दो बटे तीन, मतलब दो बटे तीन। तीन चौथाई बोलता है तो तीन बटे चार, ठीक है बच्चों? तीन चौथाई मतलब तीन बटे चार। अब यहां पे बोल रहा है किसी संख्या के एक तिहाई का एक चौथाई किसके बराबर है? चौबीस के बराबर है। तो मान लो बच्चों, संख्या क्या है? एक्स है। संख्या मान लो एक्स है, संख्या के एक तिहाई, इस संख्या का एक तिहाई क्या होगा बच्चों? एक बटे तीन। संख्या का मैंने आपको सरलीकरण में बताया था, जब भी का बोले, एक्स का, संख्या का, ऐसे संख्या का एक तिहाई का बच्चों का एक चौथाई एक बटे चार चौबीस है। अब ये किसके बराबर होगी संख्या? चौबीस के बराबर होगी, क्योंकि इस संख्या का पहले एक बटे तिहाई करा, फिर एक बटे चार करा, वो किसके बराबर है? चौबीस के। तो बराबर किसके हो गए? चौबीस, ट्वेंटी फोर, ये ट्वेंटी फोर के बराबर है। अब बच्चों, मैंने आपको बताया था सरलीकरण वाली जो मेरी वीडियो, अगर आपने नहीं देखे तो उसे जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सरलीकरण में मैंने बताया का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुना। जहां पे का लिखा हो या इंग्लिश में से बोलते बच्चों ऑफ, ऑफ को हटाइए और गुना का निशान लगाइए। एक्स का एक बटे तीन गुना एक बटे चार के बराबर बच्चों चौबीस के बराबर है। अब देखो, मैंने बताया था गुना करते टाइम ऊपर वाली संख्याओं की हमेशा ऊपर गुना होती है और नीचे वाली संख्याओं की हमेशा नीचे ही गुना होती है। अगर बच्चों ऊपर से नीचे कोई संख्या कट रही है तो उसे काट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर नहीं डिवाइड हो रही है तो गुना और भाग करते टाइम कभी भी एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। ऊपर वालों की ऊपर गुना करते हैं, नीचे वालों की नीचे गुना करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे तीन से भी कोई संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, चार से भी कोई डिवाइड नहीं हो रहा, ये दोनों भी किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। तो बच्चों ऊपर वालों की ऊपर गुना करते हैं, नीचे वालों की नीचे गुना करते हैं। यहाँ देखो एक्स एकम एक्स हो जाएगा, वो चार किया कितने होते बच्चों? बारह। बराबर कितना है? ट्वेंटी फोर, ठीक है। अब बच्चों देखो, बारह इधर भाग में, जो संख्या बटे में होती है बच्चों उसे भाग में बोला जाता है, ठीक है? जो संख्या भाग में है वो बराबर के दूसरी तरफ अगर उस संख्या को ले जाना चाहें, अगर मैं इस बारह को दूसरी तरफ ले जाना चाहूं तो बच्चों कैसे ले जाया जाएगा? जो संख्या भाग में होती है बच्चों, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया, अपनी मैथ की शुरुआत जीरो से कैसे करें उन वीडियो में मैंने पूरी डिटेल से बताया हुआ है, जो संख्याएं भाग में होती है बच्चों वो संख्याएं गुना में चली जाती है। ये बारह इधर भाग में है बच्चों, इधर बीच में चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। तो बारह भाग में ऊपर किस में चला गया? गुना में। तो x बराबर हो गया चौबीस गुना बारह, ठीक है बच्चों? जो गुना में होती है वो भाग में चली जाती है बराबर के दूसरी तरफ, और जो भाग में होती है वो गुना में, जो गुना में होती है वो भाग में चली जाती है, जो प्लस में होती है बराबर के दूसरी तरफ माइनस में चली जाती है, और जो माइनस में होती है बच्चों वो प्लस में चली जाती है। अब ये देखो, बारह की चौबीस में गुना कर दो बच्चों, क्या आएगा? बारह चौक अड़तालीस, आठ हासिल चार, बारह दूनी चौबीस और चार कितने हुए बच्चों? अट्ठाईस। तो वो संख्या क्या है बच्चों? वो संख्या है 288। तो सिंपल तरीके से आपको पता लग गया वो संख्या क्या है, 288 है, ठीक है बच्चों? इसको अगर आप चाहते हैं हमारा आंसर सही आया है कि गलत आया है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का तरीका जो बच्चों, 288 है, 288 का इसने बोला है
किसी संख्या के एक तिहाई, तो इसे एक बटे तीन कर सकता है, का एक चौथाई एक बटे चार किसके बराबर बच्चों, चौबीस के। अगर इसे सोल्व करने पे चौबीस आता है तो समझो हमारा आंसर सही है। देखो तीन से पहले से डिवाइड करके देखते हैं बच्चों कितना आता है, थ्री नाइन का 27, तीन नम 27 होते हैं बच्चों, कितना बचा एक, यहां हो गया 18, तीन छम 18। अब बच्चों चार से भाग कर दो, चार दूनी आठ, एक बचा बच्चों चार चौ 16, कितना है बच्चों 24 आया ना 24। तो इसी तरह हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया क्या। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, नंबर सिस्टम गई है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, देखते हैं कैसे। किसी संख्या का 2/7 भाग 18 हो तो उस संख्या का एक तिहाई क्या होगा, क्या कह रहा बच्चों, किसी संख्या का 2/7 भाग, जब बोले ना किसी संख्या, यदि संख्या कोई संख्या बोले तो मान लो वो संख्या क्या बच्चों एक्स है, और उस संख्या का 2/7 भाग किसके बराबर बच्चों, 2/7 भाग 18 के बराबर, तो बराबर क्या कर देंगे 18, तो उस संख्या का एक तिहाई क्या होगा, उस संख्या का एक तिहाई क्या होगा बच्चों, 1/3 भाग क्या होगा उस संख्या का, ये पूछना चाह रहा है। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर बता रहा हूं, का की जगह किसका निशान आ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई गुणा का निशान आ जाएगा यहां पे, का 2/7 बराबर 18, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको बताया पहले जो संख्या डिवाइड में होती है वो बराबर के दूसरी तरफ बच्चों मल्टीप्लाई में चली जाती है, और जो संख्या बच्चों मल्टीप्लाई में है वो दूसरी तरफ किस में आ जाती है, बराबर के दूसरी तरफ बच्चों डिवाइड में आ जाती है। तो ये जो 7 है ये बच्चों डिवाइड में, बटे का मतलब होता ही डिवाइड, नीचे लिखी है संख्या ये बराबर में दूसरी तरफ किस में चली जाएगी, गुना में चली जाएगी। पर बच्चों एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर यहां पे गुना की जगह प्लस का निशान होगा या माइनस का साइन होगा तो आपको नीचे वाली संख्या को ऊपर नहीं भेज सकते, बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो ही नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे जाती है, अगर प्लस का या माइनस का निशान है तो वो पूरी संख्या प्लस की बन जाती है और वो प्लस वाली संख्या इधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की 2/7 हो जाएगी, अगर प्लस की है तो माइनस की 2/7 हो जाएगी, अगर माइनस है तो इधर जाके प्लस का 2/7 हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, नीचे वाली संख्या भाग वाली संख्या इधर गुना में तभी जाएगी जब यहाँ पे गुना का निशान होगा, और ये गुना वाली संख्या 2 के ऊपर गुना होगी तो इधर भाग में तभी जाएगी जब यहाँ पे गुना का निशान होगा। तो x बराबर बच्चों ये भाग में है 7 तो ऊपर गुना में चला गया 18 × 7, ये गुना में तो बच्चों नीचे आ जाएगा यहाँ पे 2 × 18 = 9 7 63। तो बच्चों वो पूछ रहा है उस संख्या का एक तिहाई क्या होगा, तो इस संख्या का एक तिहाई बता रहा है बच्चों, एक तिहाई क्या होगा, तो एक तिहाई मतलब 1/3, तो बच्चों 63 का 1/3 पूछ रहा है वो क्या होगा, अभी आंसर नहीं आया बच्चों ध्यान से पूरे को, पूछ रहा है उस संख्या का एक तिहाई बचाओ, तो संख्या तो आगे बच्चों 63, अब उसका एक तिहाई भी निकालना है तो 63 लिखेंगे यहाँ पे गुना का निशान लगाएंगे और 1/3 लगाएंगे, 3 × 6 3 × 3 = 21 यह आंसर आगे बच्चों 21, तो वो संख्या क्या बच्चों हमारी वो 21 है, ठीक है आप इसको चेक भी कर सकते हैं इसी तरह से। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान से बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं इसमें क्या कहता है बच्चों, क्या पूछा गया है वो पहले फोकस रखना माइंड में, पूछा क्या गया है बच्चों, पूरा 96 का 1/4 96 का 1/4 बच्चों, 96 लिखो, का पूछा है का लगाओ, 1/4 मतलब होता है बच्चों 1/4, ठीक है, का 1/4 54 बच्चों बोला 54 के 2/3 चौवन का 2/3 कितना होगा बच्चों से कितना कम है, तो बच्चों ये 54 के 2/3 से कितना कम है, ये देखो दोनों को सोल्व कर लो पता लग जाएगा कितना कम है, ठीक है ना, सिंपल सा है। देखो मैंने आपको बताया का हटाएंगे तो किसका निशान आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई का साइन आएगा और बटे क्या रहेगा 1/4, तो भाग करो देखो बच्चों 4 × 8 = 24 आया, ठीक है। अब यहां पे देखो बच्चों 3 × 3 कितने बचे बच्चों 2 × 3 = 24 और 28 × 2 कितने होते बच्चों 28 × 2 = 36, तो इससे कितना कम है बच्चों 36 से 24 कितना कम है आप बता सकते हैं, 6 में से 4 के बच्चों बच्चे कितने 2 और 3 में से 2 के बच्चों 1, आंसर आया 12, तो कितना कम है बच्चों 12 कम,
ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार, ध्यान से देखते रहे। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर चार इसमें क्या कह रहे, देखो बच्चों ध्यान से देखना। यदि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 18 अधिक हो तो वह संख्या क्या है? देखना बच्चों ध्यान से समझना, ये क्या कह रहा है। यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या बोलते हैं आपको क्या लिखना, एक्स लिख देना। यदि कोई संख्या अपने 2/5 भाग, इस संख्या का कितना 2/5 भाग का, 2/5 भाग, इस संख्या का 2/5 भाग आ गया। यदि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 18 अधिक हो, ये संख्या अपने 2/5 भाग से कितना अधिक है, ये संख्या, ये जो मैंने मानी है x माना है मैंने, ये जो x है ये अपने 2/5 भाग से कितना अधिक है, ये x, देखना बच्चों ध्यान से, ये जो x है, यदि कोई संख्या, मान लो वो संख्या x है, अपने खुद का ही 2/5, x का ही 2/5 भाग से 18 अधिक, ये जो x है बच्चों ये अपने 2/5 भाग से 18 अधिक है, ये x, खुद ही के 2/5, देखो x का ही मैंने 2/5 भाग करा, ये संख्या 18 अधिक है बच्चों। जैसे तराजू के दो पलटे होते ना बच्चों, मैं चाहता हूं दोनों भाग बराबर हो जाए, ये भी बराबर हो जाए इसके, पर ये वाला भाग जो है बच्चों 18 अधिक है, तो मैं चाहता हूं बराबर हो जाए, तो मैं चाहता हूं बराबर करने के लिए मुझे बच्चों आप सोचो ध्यान से, 18 इधर प्लस करना चाहिए मुझे कि 18 इधर प्लस करना चाहिए, दोनों को बराबर करने के लिए, ये संख्या जो है एक्स इससे 18 अधिक है, तो बराबर करने के लिए 18 इधर प्लस करूं या इधर प्लस करूं, तो बच्चों जब ये अधिक है तो बराबर करने के लिए मुझे 18 इधर प्लस करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा 18, तो ये दोनों भाग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और वही मैथ्स का रूल लगाना बच्चों जो मैंने आपको बताया है, का हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा बच्चों, ऐसे 2/5 प्लस 18 बराबर एक्स, बच्चों एक्स की, अब देखो ये 2/18 इधर प्लस का है, ठीक है, ये सारी संख्या इधर प्लस के 2 की एक्स में गुना करेंगे बच्चों क्या आएगा 2x, तो ये आएगा 2x/5 जमा 18 बराबर एक्स। जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना बच्चों ध्यान रखना इस चीज को, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में आप इस तरह की सिचुएशन में फंसने वाले हैं, एक्स वालों को एक तरफ कर लो बराबर के और संख्याओं को एक तरफ कर लो बराबर के, आपको हमेशा यही करना है, एक्स वालों को बराबर के एक तरफ कर लेना है और संख्याओं को एक तरफ कर लेना है, इससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब ये इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है तो इन दोनों को एक तरफ कर लो बच्चों, ये 2x/5 है, ये इधर बच्चों प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा इस पे, तो कर दो इसे। देखो बच्चों 18 तो इधर ही लिखा हुआ है सेम जो 18 था, इस संख्या को उठा के इधर ले जा रहा हूं मैं एक्स की तरफ, ये एक्स ऐसी एज इट इज इधर लिख दिया मैंने, ये 2x/5 इधर बच्चों प्लस का है, जिसके सामने कोई साइन ना हो ना बच्चों वो प्लस का साइन होता वहां पे, और माइनस वाले के सामने साइन लगाना पड़ता है, तो ये माइनस का होता तो साइन ऐसे लगा रहता बच्चों, ये यहाँ पे प्लस का है, अगर कोई साइन ना हो सामने निशान कोई ना हो तो समझो प्लस का निशान होता है, तो 2x/5 इधर जाके बच्चों किसका हो जाएगा माइनस का, 2x/5 हो गया माइनस का। अब बच्चों ये मैंने बेसिक चीज में बताया है गणित की शुरुआत कैसे करें, भाग एक में मैंने बताया है कि इन्हें कैसे जोड़ा जाए, भाग एक और भाग दो को आपने अच्छे से अगर देखा होगा तो समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। तो देखो बच्चों इसे मैं यहाँ पे सोल्व करने वाला हूँ, 18 को मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ 18, ठीक है बच्चों, और वो -2x/5, ठीक है बच्चों, बराबर 18 बराबर एक्स माइनस 2/5, ठीक है बच्चों। अब इनका क्या लेना है यहाँ पे, जिसके नीचे कुछ ना हो बच्चों वहां पे एलसीएम ले लेते हैं, 1 और 5 का एलसीएम कितना बच्चों 5, ठीक है बच्चों। अब या आप सिंपल यहाँ पे कर लो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, 5 की एक्स में मल्टीप्लाई कर दो, 5 की एक्स में करेंगे बच्चों क्या आएगा 5x, और ये माइनस का 2x, बटे में 5 जरूर रखना बच्चों, ये नहीं कि गुना करने के बाद वो खत्म हो जाता है, 5 की एक्स में गुना करिए बच्चों 5x, ये माइनस ऐसे और 2x/5, 5 बच्चों डिवाइड में है। देखो मैंने आपको बताया पहले भी, अगर कोई संख्या भाग में होती है तो बराबर के दूसरी तरफ गुना में चली जाती है, तो ये भाग वाली संख्या बच्चों यहाँ पे गुना में आ जाएगी, 18 × 5 = 90, ये 5x में से 2x के बच्चों बचे 3x, 5x में से 2x चले गए बच्चों बचे 3, 5 की यहाँ पे गुना हो गई 18 × 5 = 90।
तीन बच्चों यहाँ पे गुना में, देखो जहां पे कोई निशान ना हो बच्चों वहां पे गुना का निशान होता है। ये संख्या है, ये वेरिएबल है, इनके बीच में अगर कोई निशान आपको नहीं दिख रहा है तो समझो गुना का निशान है। और मैंने आपको बताया था जो संख्या गुना में होती है वो बराबर के दूसरी तरफ भाग में या डिवाइड में चली जाती है। तो 90 बटे 3 बराबर एक्स आ जाएगा बच्चों, और 3 किया 9 तो कितना है बच्चों 30, एक्स बराबर कितना है बच्चों 30 आ, तो ये 16 हो गए बच्चों। तो वह संख्या क्या है बच्चों, वो संख्या 30 है। ठीक है, हम मिलते हैं बच्चों अगले भाग में। अगले भाग में मैं आपको बताने वाला हूँ इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। आप सभी का धन्यवाद।